जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में बिल्कुल सही देखा और पढ़ा आपने। एक कहानी है फ्रांसिस नगोनू की। यह नाम शायद हम में से बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा और शायद बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते होंगे। पर यह वीडियो देखने के बाद आप भी फ्रांसिस नगोनू के फैन तो ज़रूर बन जाओगे, पर साथ ही साथ उनकी मेहनत और हार ना मानने वाले एटीट्यूड से इंस्पायर तो ज़रूर हो जाओगे। तो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले फ्रांसिस, जो कि कभी मजदूरी किया करते थे और एक समय ऐसा आया था जहां वो सड़कों पर सोया करते थे, पर इन सब को पीछे छोड़कर आखिर वो कैसे एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जो आज बहुत से लोग बस उसके सपने देखते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से फ्रांसिस नगोनू की जीवन के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रांसिस नगोनू आखिर है कौन। तो फ्रांसिस एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो अभी प्रेजेंट में UFC के हैवीवेट चैंपियन है, और UFC का हैवीवेट चैंपियन मतलब दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान में से एक, और UFC के चैंपियंस को बैडेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और तो और फ्रांसिस नगोनू का जो पंच रिकॉर्ड किया गया है वह दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पंच है। पर आखिर कैसे एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले और अफ्रीका के एक छोटे से गांव के फ्रांसिस, जो कि कभी रेत खदान में मजदूरी किया करते थे, वह UFC के हैवीवेट चैंपियन कैसे बने, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए जानते हैं। तो फ्रांसिस का जन्म 5 सितंबर 1986 को अफ्रीका के कैमरून देश में एक छोटे से गांव बैटी में हुआ, और इसी गांव में वो बड़े भी हुए। फ्रांसिस एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जिसकी वजह से वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बीच में से ही स्कूल छोड़ दिया। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया, और जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक आंटी के यहाँ रहने के लिए भेज दिया गया। पैसों की कमी की वजह से फ्रांसिस जब सिर्फ 10 साल के थे तब से ही उन्होंने गांव के रेत खदान में मजदूरी करना चालू कर दिया था। अब मजदूरी करते करते फ्रांसिस जवान हो गए थे और उनका शरीर भी अच्छा खासा मजबूत बन गया था, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोकल गैंग्स ने उन्हें अपनी गैंग में शामिल होने के लिए अप्रोच भी किया, पर फ्रांसिस ने सबको मना कर दिया क्योंकि वो अपने पिता जैसे नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता भी एक स्ट्रीट फाइटर हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो पूरे गांव में बदनाम थे और गांव के लोग उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, और फ्रांसिस को भी गाँव के लोग उसी नज़र से देखते थे। और यहाँ से ही फ्रांसिस ने डिसाइड किया कि वो कुछ पॉजिटिव करेंगे और बॉक्सिंग सीखेंगे। तो 22 साल की उम्र में फ्रांसिस ने गांव में कम रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग चालू कर दी थी, पर उनकी फैमिली की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो बॉक्सिंग करे। लेकिन फिर भी अपनी जिद की वजह से उन्होंने लगातार 1 साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की, पर 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी क्योंकि उन्हें एक बीमारी हो गई थी। पर उनके इस हार ना मानने वाले एटीट्यूड की वजह से उन्होंने वापस ट्रेनिंग चालू रखी, और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के बीच में उन्होंने बहुत से छोटे मोटे जॉब्स भी किए, जैसे कि उन्होंने कुछ समय ड्राइवर की भी नौकरी की जहाँ वो मोटरसाइकिल और टैक्सी चलाया करते थे और इससे पैसे भी कमाया करते थे। लेकिन 26 साल की उम्र में उन्होंने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया कि वो पेरिस जाएंगे और वहाँ जाकर प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीखेंगे। पर फ्रांसिस नगोनू के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो पेरिस जा सके, तो उन्होंने आखिर में डिसाइड किया कि वो इल्लीगल तरीके से फ्रांस जाएंगे, यानी वो बॉर्डर्स को इल्लीगल तरीके से पार करेंगे। पर इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क था, अगर वो पकड़े जाते थे तो उनका पूरा करियर डूब सकता था। पर फ्रांसिस भाई साहब तो ठहरे एक ज़िद्दी आदमी, तो उन्होंने एक माफिया से कॉन्टैक्ट किया और माफिया की मदद से उन्होंने लगभग 6 देशों को पार किया, जिसमें वो कैमरून से होते हुए नाइजीरिया पहुँचे, फिर नाइजीरिया से नाइजर, जहाँ उन्होंने सहारा डेजर्ट जैसे गर्म रेगिस्तान को पार किया, फिर नाइजर से अल्जीरिया और अल्जीरिया से होकर वो मोरक्को पहुँचे, पर मोरक्को से वो इल्लीगल तरीके से स्पेन जा रहे थे तो वहाँ उन्हें पकड़ लिया गया
और उन्हें स्पेन में 2 महीनों की जेल भी हुई। पर जेल से छूटने के बाद भी वो स्पेन से पेरिस तक किसी तरह पहुंच गए। पर इस सफ़र के दौरान उन्होंने कैसे दिन बिताए होंगे ये तो सिर्फ वही जानते हैं। बताया जाता है कि सफ़र के दौरान वो डस्टबिन से खाना उठाकर खाते थे। और क्या आप जानते हो कैमरून से फ्रांस जाने में उन्हें लगभग 15 महीने लग गए थे। अब फ्रांसिस नगोनो पेरिस तो पहुंच गए थे पर उनके पास ना पैसे थे, ना कोई दोस्त था और ना ही रहने के लिए जगह। तो ऐसे में वो पेरिस के सड़कों पर ही रहते थे और वहाँ ही अपना गुजारा करते थे। I really wanna do this, but I don't have no money, even no clothes, nothing, no place to sleep, but I just want somewhere that I can train. पर एक दिन उनकी मुलाकात फर्नांड लोपेज से हुई और फर्नांड लोपेज भी कैमरून देश के ही मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट थे और लोपेज की वजह से ही फ्रांसिस को MMA के बारे में पता चला, मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट। वैसे तो फ्रांसिस बचपन से ही माइक टाइसन के फैन थे तो उन्हें पता था कि बॉक्सिंग कैसे की जाती है, पर फर्नांड लोपेज ने फ्रांसिस नगोनो का MMA में पोटेंशियल देखा और उन्हें कन्विंस किया कि वो बॉक्सिंग की जगह मिक्स्ड मार्शल ट्राई करे। जिसके बाद लोपेज ने फ्रांसिस नगोनो को MMA के कुछ गियर्स और इक्विपमेंट्स भी दिए और लोपेज ने फ्रांसिस नगोनो को अपने जिम में ट्रेनिंग करने के लिए और सोने के लिए भी कहा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ऐसे में फ्रांसिस को रहने के लिए जगह और ट्रेनिंग करने के लिए जिम भी मिल चुका था। और यहाँ से ही फ्रांसिस नगोनो का 2013 में MMA और UFC का करियर शुरू होता है, जहाँ वो हर उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जो उन्होंने सब कुछ बचपन में सोचा था। फ्रांसिस जब फाइटिंग के दुनिया के स्टार बन गए थे तो तब उन्होंने अपने गांव बैटी में गरीब बच्चों के लिए जिम ओपन किया और जो कोई भी बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में आना चाहता था वो गरीब बच्चा फ्रांसिस नगोनो के इस जिम में जा सकता था। फ्रांसिस अपने करियर के लिए सबसे बड़ा थैंक्स फर्नांड लोपेज और फैमिली को देते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको फ्रांसिस नगोनो की ये इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी फ्रांसिस की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पता चले। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।